आगे तुम सब लोग ये पकौड़े और तीखी चटनी खाओ और मैं और भ्यू कौन सा खेल खेल रहे हैं वो देखो। बाजी देखो चुपचाप भ्यू, अब फली के इस सिरे से उस सिरे तक चल के दिखाओ मुझे और पैर नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ आई, मैं बहू की बहन हूँ, ये काम तो मैं एक टांग पर भी कर सकती हूँ। नहीं, दो टांगों पे करना, चल के दिखाओ। बहुत अच्छे, अब यही काम तू थोड़ी ऊंचाई से करके दिखाएगी। काका हो। भीयू फिर से एक बार, अब इस बार तुम ऊंचाई से चल के दिखाओगे। चलो अब उस सिरे से इस सिरे तक मुझे चल के दिखा और गिरना मत। आई वो क्या आई, तू तो कह रही थी कि तू भाऊ की बहन है, तो क्या हुआ? बस आई, भाऊ के बीहू पे संगे नहीं करते। संगे नहीं, संदेह। हाँ वही, चल के दिखा। भीयू तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ और मेरे दूध के दांत भी। भीयू क्या हुआ, पहली बार तो अच्छे से चल के गई, दूसरी बार क्यों गिर गई? क्योंकि दूसरी बार थोड़ी ऊंचाई पर थी और ऊंचाई देखकर भीयू को डर लगने लगा और उसका ध्यान भटक गया और इसीलिए वो गिर गई। काका जी, सही का ध्यान ध्यान। बाजी तेरा मिर्ची का फूल उगाना और भ्यू का इस फई से गिरना, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, जब तक तुझे पता था कि तुझे मिर्ची का फूल उगाना है, तेरा सारा ध्यान मिर्ची का फूल उगाने में था और तू उगा नहीं लेता। लेकिन जैसे तुझे पता चला कि फूल उगाने के साथ साथ उस फूल की सुरक्षा भी तेरी जिम्मेदारी है, तेरा ध्यान बट गया। तू सिर्फ फूल की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था और तूने फूल की सुरक्षा के नाम पर उन पौधों पर धूप तक नहीं पहुंचने दी। ऐसा ही होता है बाजी, बाहरी कारणों के वजह से ध्यान का हटना स्वराज को उगने से रोकता है। तुझे अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना सीखना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तेरा ध्यान तेरे लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए, समझ ला? अब मेरा ध्यान कभी नहीं हटेगा। आई मेरा भी तो आई, ये था मेरा पहला गुण। क्या हुआ आई, बोलना। क्या हुआ भीयू, भाव ने इतनी मेहनत की और उन्हें फल भी नहीं मिला। फल तो नहीं मिला, लेकिन फूल तो मिल गया और उन फूलों की तीखी चटनी भी। फूल मैंने तोड़े थे बाजी, आई यानी ये चटनी, ये चटनी उन्हीं फूलों की बनी है बाजी। श्रीमान चिमना जी साहब ने कहा था ना कि आई कान घुमाकर ही पकड़ती है।
भाव का भी पाठ भूल गए तो मिर्ची खिलाकर याद दिला दूंगी। आई मैंने ये पार्ट तो सीख लिया, दूसरा कौन कब सिखाएगी? तुझे तो पता है ना आई, मेरे पास व्यर्थ करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बादशाह सलामत की खिदमत में नासिर खान बिन कमरुद्दीन खान अपना सलाम पेश करता है। हमारे वालिद साहिब ने बादशाह सलामत की खिदमत में ये तोहफा भिजवाया है। हमारे वालिद साहिब को ये खबर है कि हुजूर गुड़ी पाड़वा के रोज मराठियों को कौन सा तोहफा देने वाले हैं, और उनका कहना है कि अगर उन्हें हुजूर की कदम बोसी का शर्फ मिले तो वो हुजूर को एक ऐसी चाल बता सकते हैं जिससे हुजूर को गुड़ से भी मीठा शहद मिल सकता है, और वो भी शहद की मक्खी के डंक के बिना। जाकर अपने वालिद से कहो कि उन्हें हमारे हुजूर में पेश होने की इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। कमरुद्दीन। बादशाह सलामत गुड़ी पाड़वा पर करने क्या वाले? ये फूंक मारने से कुछ नहीं होगा, एक बार गुलेल से निशाना साधने दो फिर देखो। बालू ये गुलेल का खेल नहीं है। ये खेल ही गलत है, ये जड़ा बिना हाथ लगाए उस मटके को फोड़ ही नहीं सकता। ए बालू, मटका यदि कुएं से पानी ना खींच पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुआं सूखा है, बल्कि ये है कि मटके में छेद है। मेरे पापा कहते हैं आकाश में पत्थर मारकर सुराख किया जा सकता है, ये तो मात्र मिट्टी का मटका है। अच्छा तो तू फोड़ के दिखा। किसी का भी तुक्का लग सकता है, यदि तेरा निशाना मुझसे अच्छा है तो गुलेल से मुकाबला कर। उसमें भी तेरे ही पराजय होगी बल्लू, क्योंकि मेरा निशाना भाग्य से नहीं एकाग्रता से लगता है, जो आई ने मुझे मिर्ची का फूल उगा कर सिखाया है। मिर्ची का फूल उगा के? तुझे समझ नहीं आएगा, मात्र पुस्तकों में घुसे रहने वालों को संसार का व्यवहारिक ज्ञान समझ नहीं आता।